हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई साहब आ चुका है एक न्यू गेम प्ले भी लेके, जिसमें कि आज भी सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले होने वाला है। भाई साहब हम जा रहे हैं थर्ड हिल पे, और भाई साहब इस वाले गेम प्ले में होता क्या है कि दो स्क्वाड आ जाती है थर्ड हिल पे, और भाई साहब दोनों स्क्वाड मेरी से फाइट करने में लग जाती है। और देखो आपका भाई कैसे सर्वाइव करता है और कैसे बढ़ता है न्यू स्क्वाडों को। तो यहाँ पे थर्ड हिल पे उतर चुके हैं और थोड़ी बहुत लूटाट करते हैं, और उन बंदों को देखो कैसे बढ़ते फिर। बस आप लोग देखना और एंजॉय करना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लूटाट तो बनती है, तो यहाँ पे हेलमेट बेस्ट की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि स्क्वाड सोलह वर्षा स्क्वाड में हेलमेट बेस्ट नहीं होंगे तो वैसे ही हम किल हो जाएंगे। तो हम थोड़ी बहुत लूट लाट करते हैं, और मेरी एक के मिल जाती है फेवरेट, तो हम सीधा रश कर देते हैं बंदे पे। तो बस देखो कैसे बढ़ते हैं हम बंदों को। तो भाई साहब यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि यहाँ से बच के निकल जाता है। खैर इसको अभी पकड़ेंगे बाद में, इस बंदे को याद रखना। और सामने में मेरे को एक और बंदा स्पॉट होता है, और इसके ऊपर तो मैं फ्लैंक मार के आ जाता हूँ। और देखो कैसे बढ़ते हैं, और ये बंदा मेरे को वहाँ पे देख रहा था जहाँ पे मैं पहले था। खैर छोड़ो, इस वाले बंदे को भी पकड़ लिया गया, और इस वाले बंदे को देखो मतलब अभी इसको डैमेज दिया था, लिट किया था, वही बंदा ही है जो कि इसको हमने पकड़ लिया इजीली, और पता नहीं है किस पे नेड कर रहा था। तो भाई साहब यहाँ पे हमने दो बंदों को तो बैक टू बैक नॉक कर दिया, और दोनों एक ही स्क्वाड के होते हैं। और ये बंदा देखो यहाँ पर रिवाइव रिवा कर रहा है, हम तो नॉक करते जा रहे हैं, और ये मजाक हो रहा है, पता नहीं क्या पबजी कह रहा हूँ या मजाक हो रहा है। खैर छोड़ो, इस वाले बंदे को भी पकड़ेंगे, और देखो इस वाले बंदे को हमने क्या नॉक किया। तो भाई साहब इस वाले स्क्वाड के तीन बंदे नॉक हो चुके हैं, और भाई साहब पता नहीं चौथा बंदा काम पे गत्ते फूंक रहा था सस्ते नशे करके। तो भाई साहब इस वाले स्क्वाड का तो ओनली तीन ही बंदे मिलते हैं मेरे को, और यहाँ पे एक और स्क्वाड होती है। तो देखो इस वाले स्क्वाड को भी कैसे बढ़ते हैं हम, और मैं उस मतलब इनके चौथे बंदे का इंतजार कर रहा था लेकिन मेरे को मिला नहीं वो, और मैं सोच रहा था कि बंदा वो गए सामने, लेकिन बहुत सेकेंड स्क्वाड का बंदा होता है। तो भाई साहब इस वाले स्क्वाड के तो तीन ही बंदे पकड़ में आते हैं। खैर पता नहीं कहाँ पर सस्ते नशे करके खेल रहा था इसका चौथा बंदा, तो मेरे को यहाँ पे किल मिलने शुरू हो गए थे क्योंकि ऑटोमेटिक किल हो रहे थे बंदे। मैंने इनको नॉक नहीं किया क्योंकि इसके चौथे बंदे का इंतजार कर रहा था। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो कि सामने में एक बंदा स्पॉट हो चुका है जो कि सेकेंड स्क्वाड का बंदा है। भाई साहब इन बंदों को भी पकड़ेंगे, देखो इस वाले बंदे को कैसे बढ़ते हैं। भाई साहब इस वाले बंदे ने अभी एक बॉट को किल किया है, तो भाई साहब इस वाले बंदे को देखो कैसे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक केम की बुलेट समाप्त हो जाती है, और इस वाले बंदे को हमने काफ़ी लेट कर दिया था। इसको तो घुस के सीधा फिनिश करना था क्योंकि मेरे को यूएमपी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और इस वाले बंदे के हाथ में मैंने एक केम देखी। तो वैसे अब मेरी इस बंदे पे बुरी नज़र चलने लगी क्योंकि इस वाले बंदे को की एमओ चाहिए थी मेरे को एक केम की। तो इस वाले बंदे को तो हमने पूरा फिनिश कर दिया एक केम की बुलेट के खातिर, और इस वाले मतलब दूसरी सेकंड वाले स्क्वाड का एक बंदे को तो हमने पकड़ लिया था, और दो बंदे मतलब इसके भी तीन ही बंदे मिलते हैं, और सेकंड वाला बंदा यहाँ पर मिलता है जो कि इसको भी पकड़ लिया गया। तो वैसे दो बंदे लगातार इसके भी बैक टू बैक दो बंदे नॉक हो चुके हैं, और मतलब थर्ड वाला बंदा आने वाला है। वैसे मेरे को तीन तीन ही बंदे मिल रहे थे। तो भाई साहब पता नहीं मेरे साथ क्या गिले चल रहा था क्योंकि मेरे को और स्क्वाड के तीन तीन ही बंदे मिल रहे थे, और पता नहीं चौथा बंदा इनका कहाँ पर सस्ते नशे करके गत्ते फूंक रहा था। खैर छोड़ो, इस वाले बंदे को पकड़ लिया, और ये बंदा बोल रहा होगा कि भाई टीम मेट आ जा मेरे को बचा ले हेल्प में। खैर छोड़ो, इस वाले बंदे को भी हमने मतलब पकड़ेंगे, और अरे स्क्वाड के मेरे को तीन तीन बंदे मिल रहे थे, और इस वाले बंदे को भी हमने पकड़ लिया, और इनको पूरा फिनिश करके भी निकलते हैं लूट लाट करके। और आपके भाई ने यहाँ पे दो क्लच मार दिए, तो भाई साहब यहाँ पे एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो भाई साहब कर दो जाके। और भाई वो कल वीडियो नहीं आया था उसके लिए सॉरी, और मैं आपसे मतलब वीडियो नहीं आने वाला, तो भाई साहब मैं आपको रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं टेंथ के, अभी टेंथ के का एग्ज़ाम दे रहा हूँ आपका भाई। तो अभी टेंथ का एग्ज़ाम लगने लग गया, अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया हमारे यहाँ पे। तो भाई साहब मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो भाई साहब अभी तो मैं मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलेगा जब मैं बनाने की कोशिश करूँगा, और आप लोग मतलब चैनल पे बने रहना, अगर मैं वीडियो नहीं डालूँ तो भाई साहब आप ये मत तो सोचना कि भाई ने चैनल छोड़ दिया। तो भाई साहब अगर मेरे को जब भी टाइम मिलेगा जब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो भाई साहब चलते हैं गेम प्ले की ओर। तो भाई साहब इन बंदों को तो हमने पूरा फिनिश कर दिया, और अपने यहाँ पे 6 किलो हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे दो स्क्वाड आई थी, तीन तीन बंदे मिले हमको, तो उनको फिनिश कर लिया। और एक और वहाँ पे बोट मिल गया था तो उसको भी हमने फिनिश कर दिया, मतलब दो बोट मिल गए थे, एक मेरे को रास्ते में मिल गया था जो कि मैंने वो सीन कट कर दिया। तो भाई साहब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे एक और रियल बंदा स्पॉट होता है जो कि अभी जस्ट किसी को किल किया था इस वाले बंदे ने, और पता नहीं ये पेटी लूट रहा था। तो वैसे इस वाले बंदे को भी पकड़ लिया गया, और यहाँ तो भाई ये भाई साहब तो पेटी लूट रहे थे जो कि इनको ईजिली पकड़ लिया गया। और देखो एक बंदा पता नहीं कहाँ से सस्ते नशे गत्ते फूंक के आता है। तो भाई साहब उस वाले बंदे को भी पकड़ेंगे, बस देखना आप लोग तो क्या डैमेज देता है वो वाला बंदा देखना भी।
और देख सक मतलब स्टेडियम की तरफ देखो, वो वाला बंदा आ चुका है। वैसे ये वाला बंदा मैंने अकेडमी देता, वैसे देखना आप लोग मतलब इसी में बाल बाल बचता हूँ, ये वाला मतलब मैं मरते मरते बचता हूँ। देख सकते हो मतलब कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है ये बंदा, वो भी M762 से। भाई साहब इतना ज़्यादा रिकॉइल है, वो भी मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, बिल्कुल चलाई नहीं जाती मेरे से तो मैं। और यहाँ पे एक और बोट भी आ जाते हैं जो कि इनको तो इजीली पर दिया गया, तो पूरे मैच में पूरे तीन ही बोट आए थे, दो तीन मेरे पूरा मतलब इतना पता नहीं, वैसे मेरी मैच घटिया है। और भाई साहब ये वाला स्प्रे देखो आप लोग, और यहाँ पे लाइव सब्सक्राइब करो तुरंत जाके। बस अब ये वाला स्प्रे देख के आपने अभी तक लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब ओनली 88 पे पड़ी उसके पूरे बुलेट। भाई साहब उस वाले बंदे ने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था, और अपने यहाँ पे 11 किलो हो चुके हैं। भाइयों अभी से आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब एक भी किल नहीं होने वाला, और यहाँ पे इस वाले गेम प्ले में चिकन भी नहीं है तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि चिकन नहीं निकाल पाया आपका भाई। और आप मतलब अगर 10 से ऊपर किलो हो जाते हैं भाइयों तो मैं बिना चिकन वाला होगा तो मैं ले आऊँगा आपके लिए गेम प्ले, क्योंकि भाई साहब मेरे को चिकन निकालना नहीं आता और किल तो मेरे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन भाई साहब मैं चिकन नहीं निकाल पाता। और भाई साहब आपका भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करता है, जो कि यहाँ पे ओपन में गाड़ी रोक दिया और मेरे को सिचुएशन 1v3 लग रही थी, और वही होता है यहाँ पे भी। मतलब मैं तो एक था और बंदे तीन तीन थे, वो भी लास्ट जोन में। भाई साहब आप लोग मतलब देख सकते हो बिल्कुल ओपन में हूँ मैं, और बंदे मेरे को इजीली बनने वाले हैं, बस देखना आप लोग। लेकिन एक को तो आपका भाई जाते जाते नॉक कर देता है। भाई साहब ये बंदे मेरे को ये वाला मतलब क्या डैमेज दे रहा था मेरे को, बाल बाल बच्चा है इस वाले बंदे से, और इस एक बंदे को जो हमने नॉक कर दिया। और यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या होने वाला है, देखना आप लोग। तो भाई ये स्पीड का आता है ना जो कि बंदे को दौड़ाया जाता है, इसका नाम मेरे को पता नहीं है, उसके लिए सॉरी। और भाई आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी के कारण मैं मरने वाला हूँ, बस देखना आप लोग। और यहाँ पे 2 सेकंड के लिए मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, जो कि इसी के कारण मैं मरने वाला हूँ। और इस वाले बंदे ने मेरी जिंदगी के साथ भी स्कैम कर दिया, क्योंकि ये प्रोन हो गया, और इसी कारण मैं जल्दी से नौकों के प्रफिनिश हो गया। खैर छोड़ो भाई, आई होप आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगा होगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग गेम प्ले देखने के लिए। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, जब तक के लिए बाय बाय। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना भाई साहब, आपका भाई का चैनल है।